अल्लाह सर, मैंने कुछ नहीं किया। कोई जाते में शिकार आ गया नहीं? हम लोग से निकल जाएंगे। इधर पैसा ये बंद हुआ, क्लास बंद हुई। सच में? अच्छा ये तो मैंने लिखा लॉगिन। ये कितने साल पुरानी फाइल है? दो साल। अच्छा भाई अब देखो, यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर है ना, ये वो हमारा दिमाग वाला फोल्डर है। सही हो गया? इसमें आपके पास दो चीजें, एक कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा रिड्यूसर। रिड्यूसर में क्या है, वो जो मैंने कंडीशन आपको कही थी ना कि मैं डिस्पैच में भेजूंगा मिसाल के तौर पे लॉग इन, तो लॉग इन हो जाए, लॉग आउट हो जाए, वो सारी मैंने सेपरेट करके एक फाइल में बना दी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एप्लीकेशन बड़ी होगी, 50 केसेस बन गए, क्या मैं एक ही फाइल में बार बार लंबी करता रहूँगा या फिर तू ढूंढता रहूँगा? नहीं, मैंने उसको एक सेपरेट फाइल में बना के दिया। कैसे? देखो मैं रिड्यूसर में आया, ये देखो भाई एक एरो फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, स्विच केस लगा दिए। मैं एक देखो थोड़ा बच्चों, हमारे पास दो चीजें थी, स्टेट और डिस्पैच। यहां पर मैंने उसका नाम स्टेट और एक्शन रख दिया। मैं जब डिस्पैच को कॉल कर रहा हूँ, मैं डिस्पैच के अंदर एक टाइप के वेरिएबल में चीज भेज रहा हूँ। सही? तो मैं यहाँ पर चेक क्या करूँ, मैंने बोला अगर एक्शन डॉट टाइप में यूजर लॉगिन लिखा हुआ है, ये काम कर दो, यूजर लॉग आउट मेरा नीचे लिखा हुआ लॉग आउट है, ये काम कर दो। इसी तरीके से डिफरेंट केसेस बनते जाएंगे। ये समझ आती है? तो वो जो कॉल बैक था वो मैंने एक सेपरेटली फंक्शन बना के फाइल में डाल दिया, ताकि अब मिसाल के तौर पर फ्यूचर ये बढ़ता जाए तो कोड भी बढ़ता जाए, कोई मसला नहीं। पहला काम हो गया। अब इसको क्या हो गया, भाई इसमें कोई मसला? सर लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे देन वो करे, दिखाऊंगा करेंगे करेंगे नहीं होने चाहिए। उसके बाद ये आपकी मेन चीज है भाई, ये एक दफा ऐसे बना लिया, ये सारी जिंदगी बदली हुआ ऐसे गया। मैंने इसको डिजाइन ही इस हिसाब से किया था कि मुझे जब भी चेंजेस करनी पड़ेगी मैं रिड्यूसर की फाइल में जाके चेंज करूंगा, यहाँ पर मैं कुछ चेंज करूँगा। एट अ मोमेंट खाली इनके मतलब बता रहा हूँ, ये मतलब है भाई। देखो पहली बात, वो जो मुझे दिमाग क्रिएट करना है, मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया और ये आपसे एक इनिशियल वैल्यू लेता है बस, इसमें आप कुछ भी लिख दो कोई मसला। हमने एक तरीके से अपनी ऐप के लिए एक दिमाग तैयार कर दिया, एक स्टोरेज की लोकेशन तैयार कर दी है जो कि पूरी ऐप को मिलेगी, और उसको मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट किया मैंने, यानी कहीं ना कहीं इसको यूज करूंगा। अच्छा उसके बाद ये जो रिड्यूसर मैंने बाहर बनाया था उसको मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। दूसरी चीज समझ आ गई, डेट मीन्स मेरे पास रिड्यूसर के वेरिएबल में चीज आ गई। मैं अगर चाहता मैं इसको यहाँ पर भी बना सकता था, लेकिन वो फाइल खाम खा लंबी होती। तुम्हारा लैपटॉप स्लीप पे जा रहा है। सर, अच्छा सही है भाई, ये रिड्यूसर को मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर, सही है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, रिड्यूसर का हुक्म बनाएंगे, उसको मैंने वही स्टेट और डिस्पैच दे दिया। इसके अंदर मैंने कहा था दो चीजें होंगी हमारे पास, रिड्यूसर जो मैंने उस फाइल में कॉल बैक बनाया वो, और दूसरा इनिशियल डेटा, वो मैंने वेरिएबल में स्टोर करा के यू डाल दिया। आपकी मर्जी, आप भले वहां पर भी दे सकती है। सही हो गया? फिलहाल मैंने यूजर अनडिफाइंड लिखा था कि मैं चेक करा के दिखाऊंगी जरूर क्या। सही, ये चीज हो गई। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, क्या मैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बना रहे, उसके अंदर ये सब कुछ डाल के भेज है। कहानी समझ आती है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बनाया मैंने, सही है।
उसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाया, इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का यूजेज बताऊँ क्या है, ठीक। उसके अंदर मैंने रिड्यूसर भी डाल दिया ताकि वट एवर जो भी फंक्शन मेरे रिड्यूसर में है वो मुझे पूरी की पूरी ऐप में मिले, और उसको एज अ वैल्यू के तौर पर किसको दे दिया मैंने, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को जो भी मैंने ऊपर बनाया और उसको रैप कर दिया मैंने। पहली चीज हो गई, उसी चिल्ड्रन नहीं कहा। अच्छा भाई, एक चिल्ड्रन एक वे है कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पर ऐसा प्रॉप के तौर पे आ रहा है ना, तो चिल्ड्रन में आप जो भी दोगे उसके अंदर आता जाएगा। ये कहानी मेरी क्यों किया समझो, अगर आपको याद हो ब्राउजर राउटर आपने लगाया था ऐप के ऊपर, क्या हुआ था उस ब्राउजर राउटर के जितने साइड इफेक्ट्स थे वो हमारी ऐप पे अप्लाई होना शुरू हो गए थे। तो जाहिर बात है मुझे अपनी ऐप को इस पूरे कंपोनेंट का एक्सेस देना है, तो मैं रैप करूँगा ना तो ये चिल्ड्रन है ऑटोमेटिकली इसको मैं ऐसा इसके अंदर जो लिखूंगा वो इस जगह पर आ जाएगा। कहानी हो गई, अब बनाते हैं अपनी ऐप के अंदर उसको, अपनी ऐप में हम कैसे बनाएंगे अभी सही है। भाई हमारे पास ये बिल्कुल सिंपल फाइल थी, हमने किया npm run dev प्रेस में कॉन्टेक्ट लगा भाई चलो फाइल डाउनलोड कर सारे पावर हो गए सही तो अभी भी डिलीट का बटन नहीं है पता ला गया मैं तो तुम्हारे बोर्ड में क्या काम ऐड टू कार्ट वाला बटन बना हुआ है किसी के लैपटॉप में इतना काम हो गया ऐड टू कार्ट करो ऐड टू कार्ट वाला बताओ एप्लीकेशन में लगा देगा। केबल कौन सी लगती है ले आओ ले नेविगेशन बार अभी चोड़ी है
हुई है ना डेलीगेशन में। यार क्या भिन मिल रहा है, ये खामोश हो जाओ। एक दफा इंसान को बोला जाता है वो तो काम है पर बैठे सोचा मैं रिवर्सल में इंतजार कर लेता बेहतर था, बुरा वहां बढ़ा था। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ खाल तो मुझे समझ में वैसे नहीं आ रहा तो क्या मैं बेच अकेले खाने लगा तो वो भी खाली आवाज है तो वो लगा किसी बात की है।
क्योंकि मेरा आज की डेडलाइन है। सहर किसकी डेडलाइन पूछो सर किसकी आपके सामने कौन कर डेडलाइन तो 25 जून दी थी ना एक और गलती सही कर लेना पता है मैं गलतियाँ बता रही सही वैसे होंगी ये भी बता दूँगा खत्म बात डेडलाइन तो वैसे भी गुजर चुकी है ना भाई जी सर कब कम करवाना है आज करवाएंगे जी मेरा कर लेंगे इंशाल्लाह टाइम में आज तो दिन है मन तुम्हारा बहुत रफ है पता नहीं क्या होगा Thank you.
अच्छा भाई, तो यहाँ पर हमारे पास पहला स्टेप क्या था? लॉगिन फॉर्म नहीं था, इस वजह से मुझे मजबूरन बनाना पड़ा। आप सोर्स के अंदर आएंगी और आप बोलेंगे चलो भाई इसको दिमाग को दोगे, इस दफा के पास नहीं कॉन्टेक्स, उसके अंदर एक फाइल बन जाएगी रिड्यूसर डॉट जेएसएक्स, सही हो गया। उसके बाद दूसरी फाइल क्या बन जाएगी? रिड्यूसर में आता हूँ और मैंने कहा एक्सपोर्ट फॉन्ट्स रिड्यूसर, एरो फंक्शन बनाया, एरो में मुझे क्या मिलेगी? स्टेट कॉमा एक्शन, सही हो गया भाई। एरो फंक्शन बनाया तो ये करता हूँ जी, ऐसा पैरामीटर के तौर पर मुझे मिलेगी पास। मैंने बनाया स्विच केस, इसमें आप डिफॉल्ट में क्या कहेंगे? अगर कोई केस भेजना हो तो स्टेट में जो है आप वो दे। मैंने दे दिया भाई डिफॉल्ट में, भाई आप रिटर्न कर दो व्हाट एवर द स्टेट आई है। ठीक, पहली मैं इसमें यहाँ पर चेक क्या करूँगा? डॉट टाइप, इस टाइप के वेरिएबल में वो चीज़ में भेज रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अगर मेरा एक केस है लॉग इन यूजर फॉर द टाइम बीइंग, मैं जस्ट ये कर रहा हूँ कि मैं इसमें भी फिर बस स्टेट को ही रिटर्न करूँ जो भी स्टेट में है रिटर्न। सही, हमारा फिलहाल रिड्यूसर तैयार हो चुका है, इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं खाली, बस जो भी स्टेट में है वो रिटर्न करवा। इसका नेट इतना स्लो है, देखो फायदा बताऊं क्या? जब आप खुद कोड करते हैं ना तो याद आता है चीज मैंने ऐसे ऐसे की थी, यहाँ पे यूं की थी, यानी तुम लोगों को मेरे से पुराने एक्सटेंशन भी पता है, ब्लैक बॉक्स मुझे भी पता है, काफी अर्से से यूज भी कर रहा हूँ, फिर मेरी आदत है मैं वीडियो में देख रहा हूँ, देख देख के लिखता हूँ साथ, इसलिए आपकी आप उंगलियों को आके लग जाती है, तुम लोग यहाँ से बात तो उठा रही होगी, पैसे खुद को ये बताओ तो क्या है? सही भाई, ये मिला सारा मतलब बता दिया तुम्हें मैंने, ये पूरे का पूरा कॉपी किया, ये ला के पेस्ट कर दिया, कॉन्टेक्स्ट रेडी। सही भाई, मतलब सब समझा इसको कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं। मैं आया मेन डॉट जेएसएक्स पे, मैं करूंगा इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर और मैं अपनी इस पूरी की पूरी ऐप को इसके अराउंड रैप कर दूंगा। तो आप देखें जो इसके अंदर मैंने दिया है ना वो यहाँ पे एज अ चिल्ड्रन आ रहा है और फिर इसके दरमियान आ रहा है, समझ आ गया चिल्ड्रन की लॉजिक? पेन कहानी हो गई भाई, कॉन्टेक्स्ट भी लग चुका है, लग रहा सब कुछ कहानियाँ हो चुकी। अब भाई हम एक काम करते हैं, इसको रिसीव करके डेटा को रिसीव करके देखते हैं कि भाई डेटा क्या मुझे कॉन्टेक्स्ट एपीआई से डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो फॉर द टाइम बीइंग ये इनका होम पेज है मिसाल के तौर, मैं इस होम पेज पे डेटा को रिसीव करने की कोशिश करता हूँ, सही हो गया भाई। होम पेज का नाम ये रहा, होम यही है। सही, अब इसको मैं रिसीव कैसे करूँगा ये देखो, यहाँ पर आया मैंने लिखा कॉन्स, ये बात लाजमी याद रखना कि जब आप रिड्यूसर वगैरह लगाते हैं आप एरे लगा देते हैं, लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट अब यूज़ करोगे आप करली ब्रेसेस लगाओगे, ऑब्जेक्ट वाले लगाओगे। सही, मैंने ये किया, मैंने कहा स्टेट कॉमा
डिस्पैच मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक बुक है यूज कॉन्टैक्ट्स के नाम से, देखो पर आज मैं बोल ये बना दिया। अब यूज कॉन्टैक्ट्स हमसे हम क्या मांगेगा कि भाई कॉन्टैक्ट्स यूज करना है, कौन सा कॉन्टैक्ट्स, याद है ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स बनाया था, एक्सपोर्ट भी किया था वो यहीं भी लिखा, उसके अंदर वो सारे रूल्स आ रहे हैं। ओके मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट्स, बल्कि नहीं ऐसा नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट इस पेज के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक, अब मैं देखता हूँ डेटा आ रहा है, तो हमें पता है कि यूज इफेक्ट एक ऐसा हो गया जो कि एक दफा लाजमी रन होता है। ओके मैंने यूज इफेक्ट लगाया, यूज ऑन दिस 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 दिस, मैंने इसमें एक एमडी एरर रख दिया ताकि एक बार ही चले, और मैं सीएलजी इसमें फर्स्ट टाइम चेक कर लेता हूँ स्टेट में आ रखे, कंट्रोल शिफ्ट आई खाली कर देता हूँ, मैं इसके आगे लिंक दे देता हूँ, उस फोल्डर में डेटा बनाया हुआ था यहाँ पर मिल गया। अब मैं जिस जगह जाऊं ये पूरे का पूरा डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, यानी देखो मिसाल के तौर पे इस कॉन्टेक्स्ट में जाके मैं इस अनडिफाइन को हटा के अगर मैं लाइबा कर देता हूँ, अब देखो ये मुझे लाइबा मिल गया, पूरे ऐप में जहाँ दिल करे ये मेरे को मिलना शुरू हो गया, बड़ा काम हो गया। अब लगाते लॉगिन की लॉजिक, क्योंकि मैं लॉजिक जो डिस्पैच वाला फंक्शन है वो यूज करूँगा कहाँ पर, फॉर दैट आई मस्ट नीड मैं लॉग इन मोडाल वाले कंप्यूटर में जाऊँ, अभी लॉग इन मोडाल आ गया। ठीक क्या करूँगा मैं, मैंने लिखा कॉन्स स्टेट, गलती ये कर्ली ब्रेसेस लगा रहे थे, स्टेट कॉमा dispatch it must be equal to use context, हमें global उसको import करना पड़ेगा, मैंने कहा import global context, उसको मैंने डाल दिया global context, सही हो गया। मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा कि भाई यहाँ पर आप dispatch करो जब ये वाला बटन क्लिक हो। ओके तो आपको याद होगा मैंने टाइप दे रहा था, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने इसकी टाइप में क्या दे दिया, जो उस रिड्यूसर के अंदर मैंने नाम लिखा था ना लॉगिन यूजर, वही नाम मैंने यहाँ पर दे दिया। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली तौर पर क्या कॉल होगा, वही वाला डिस्पैच जाके कॉल होने लग जाएगा, ऐसे ही ये कहानी समझ आती है। मैं एक और चीज भेजता हूँ, मैंने कहा पेलोड, पेलोड के अंदर मैं ये वाला पेलोड भेज रहा हूँ, सही हो गया, ऑटोमेटिकली तौर पे वो पेलोड मुझे यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड के अंदर मिलना शुरू हो गया, ऐसा है कि नहीं, कहानी बल्ले बल्ले बोल रहा हूँ। ओके तो मैं करता क्या हूँ, अब मैं लगाता हूँ लॉजिक, मैंने कहा भाई साहब आप रिटर्न करो, आपके पास स्टेट के अंदर जो कुछ है ना वो रहे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरी स्टेट में कोई भी कार्ड की डिटेल आ रही है, किसी भी अदर इंफॉर्मेशन है मैंने कहा उसको नहीं शेयर, जो यूजर की इंफॉर्मेशन है ना उसको अपडेट करो। तो मैंने कहा
स्टेट को वैसे ही रहने दो, और इसमें जो यूजर का वेरिएबल है ना उसमें आप डाल दो एक्शन डॉट पेलोड। सही हो गया, कोई मसला? लैबा आ रहा है, लैबा को मैं डालता हूँ, लगा दो लैब। उसके बाद आई मैंने इस भाई को कर दिया अनडिफाइंड। सही है भाई, बताओ पहले भी पूरा ऑर्डर दूंगा। सही भाई, यहाँ पर आया ये किया हमने ये कर दिया। सही, अब आप देखें एट नंबर अनडिफाइंड है यूजर। मैं आया, मैंने कहा लॉग इन करो भाई, ओके कुछ भी लिख लो। मैंने ये सब किया, मैंने सबमिट किया, क्या डिटेल्स दूंगी? यार कुछ तो तेज भी सही नहीं लगा रहा। चलो एक और काम करते हैं, मेरे पास जुगाड़ बहुत है, जुगाड़ इतना ही किसी पर नहीं। तुम बोलो ना, तुम्हारा तो रोज है। यार रुक जाओ दो मिनट, एक तुम्हारे सवाल नहीं खत्म होता लगेगा, देख लेना। मैंने यहाँ पर कह दिया स्टेट डॉट यूजर, मुझे यूजर देखने के उसके अंदर यूजर क्या है। एट द मोमेंट कुछ भी नहीं अनडिफाइंड, दैट्स व्हाई वो आपको नजर नहीं आ रहा। मैंने लॉगिन किया, ये डाला, सबमिट किया, स्टेट डॉट यूजर डॉट ई मेल दिखा रहा था ना, वो थोड़ी नजर आया। कुछ भी नहीं अनडिफाइंड है। ठीक, मैंने लॉग इन किया, डिटेल्स डाली, अब देख सकते हो डिटेल्स। That means स्टेट के अंदर वो चीज नजर आने लगी। अब याद करा दूं नया बार की क्लास, अगर आपको याद हो जब मैं स्टेट बना रहा था मेरे ऊपर यूजर का वेरिएबल बनाया था, यूजर सेट यूजर, उसमें मैंने ट्रू रखा था। अब वो लॉजिक काम करेगी, सेट यूजर नहीं होगी, वो आप कॉन्टेक्स्ट में यूजर को ले रहे होगे, स्टेट डॉट यूजर करके चेक कर रहे होगे, अगर स्टेट में यूजर है तो ये वाले राउट, वरना ये वाले राउट। अब वो परफेक्ट ही काम करेगी। याद करा दो, देखो भाई आपने वहां पर एक यूजर की स्टेट बनाई हुई थी, उसमें आप चेक कर रहे थे कि यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब उसकी अब आप ये स्टेट लगाओगे, स्टेट और डिस्पैच, जिसे मैंने ऊपर, वो देखो यूजर आने लग गया,
तो आप इस बेस पे चेक करेंगे ये स्टेट में यूजर क्या आ रहा है। देन वी डू अनडिफाइंड नहीं हुआ, मैंने अनडिफाइंड रखा ही इसीलिए था क्योंकि आप अनडिफाइंड जब रखोगे तो उसको फॉल्स कंसीडर करेगा। ट्रूथी के लिए ट्रूथी मतलब क्या है, फॉल्स के लिए फॉल्स चलेगा। हाँ